चलिए हाय दोस्तों, आपके लिए अनदर वीडियो लेके आया हूँ जो कल का ट्रेडिंग सेशन रहेगा 13 अक्टूबर का वेडनेसडे का ट्रेडिंग सेशन। तो वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे इस वीडियो में देखने वाले। चलिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की और वीडियो आपके लिए ला सको। और जिन लोगों ने तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, जाके फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर क्योंकि तरह तरह के एनालिसिस की पोस्ट वगैरह डालता हूँ, स्टॉक्स के बारे में डाल देता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स कहाँ है, कहाँ पे कॉल पुट में एंट्री बन सकती है इंट्राडे में, वो इस पे सब में आपको अपडेट कर देता हूँ। चलिए, आज के ट्रेडिंग सेशन में देखें तो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी 70,991 पे, 46 पॉइंट ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लोजिंग दी है। एडवांसेस में देखें तो 31 देखने को, डिक्लास में देखें तो 19 देखने को। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ऑप्शन चेन एनालिस करेंगे और ऑप्शन चेन एनालिस के हिसाब से देखें कहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। जो ऑप्शन चेन एनालिस करें जो कि 14 अक्टूबर का अभी आने वाले परसों के दिन जो एक्सपायरी है वीकली, तो उसी ऑप्शन चेन एनालाइज करें जो कि 70,991 के यहाँ पे निफ्टी ने क्लोजिंग दी। चलिए, 18,000 का लेवल है अगर देखें तो 18,000 के लेवल पे यहाँ पे निफ्टी ने क्लोजिंग दी। अगर यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग अगर देखें तो 17,950 के लेवल पे अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे कॉल राइटिंग देखने को मिली, जो कि यहाँ पे 12,000 कॉल राइटर है, यहाँ पे अनवाइंड नहीं अभी तक है। और उसके बाद में अगर देखें तो 7,000 यहाँ पे जो कि 18,150 के लेवल पे कॉल राइटर देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा अगर देखें तो 18,250 का लेवल बहुत क्रुशियल देखने को मिल रहा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग देखने को। लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट अगर देखें तो 15,000 पुट राइटर देखने वाले जो कि 17,900 का लेवल है। तो नीचे की तरफ अगर सपोर्ट भी नीचे की तरफ आता है तो 17,900 का सपोर्ट रहेगा, लेकिन ऊपर की तरफ अगर देखें तो 18,000 का रेजिस्टेंस है। 18,050 अगर निकलता है तो 18,100 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। चलिए, यहाँ पे ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग देख ली। अगर यहाँ पे निफ्टी के बारे में अगर देखें तो निफ्टी का डेली कैंडलस्टिक अगर देखें तो जिसके लिए 930 का सपोर्ट आ रहा था उसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दिया और यहाँ पे ऑल टाइम हाई जैसे लगा था 18,041। तो मेरे हिसाब से जब 18,041 के ऊपर निकलता है कल तो एक बाइंग मोमेंटम फिर से बन सकता है जो कि उसको 18,120 के लेवल तक लेके जाएगा। यहाँ पर डेली कैंडलस्टिक एक बुलिश देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर बेयरिश है तो मेरे हिसाब से 70,930 के नीचे यहाँ पे अगर कोई वीकनेस देखने को मिल सकती है। चलिए, भी 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे इंट्राडे के लिए कल कौन से लेवल रह सकते हैं, किस रेंज में यहाँ पे निफ्टी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर देखें तो आज का ट्रेडिंग सेशन देखें 12 अक्टूबर यहाँ पे देखें तो ओपन यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की, 18,000 से यहाँ पे रिजेक्शन लिया, फिर भी उसने जो सपोर्ट लिया जैसे कि मैंने बोला था कि एस स्विंग लो यहाँ पे सपोर्ट ले सकते, तो एस स्विंग लो ने यहाँ पे सपोर्ट लिया जो कि 18,850 का लेवल है। तो यहाँ पे सपोर्ट के लिए अगर यहाँ देखें तो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट डे के निफ्टी के लिए तो 18,850 का लेवल रहेगा। इस लेवल को डिफेंड करके ऊपर की तरफ मोमेंटम किया है। तो अगर कल देखें तो यहाँ पे कल 950 और 1800 के बीच में यहाँ पे अगर कोई कंसोलिडेशन रेंज बनाया था, लेकिन मैंने कब क्या कि 18,050-40 के इसके अबव निकलते थे भी फ्रेश शॉट बन सकते हैं, अदरवाइज नीचे की तरफ आता है यहाँ पे 18,800 यहाँ पे कोई सपोर्ट ले जाता है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हैमर कैंडल बना रहे अच्छा सा मोमेंटम किया, तो यहाँ पे सपोर्ट ले जाता है फिर से मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। वीकनेस तभी मिलेगी जब 850 के लेवल के नीचे सस्टेन करेगा, तभी एक वीकनेस देखने को मिल सकती है निफ्टी में। तो कल के लिए इस रेंज में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है और यहाँ वोलेटाइल सेशन देखने को मिल सकता है निफ्टी में भी। चलिए, अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालाइज करेंगे। बैंकिंग स्टॉक्स देख सकते हैं अच्छा सा ब्रेकआउट दे रहे, सब बैंकिंग स्टॉक ऊपर की तरफ और बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मोमेंटम करता हुआ देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग 38,500 के अबव, तो 38,500 के लेवल के पीछे यहाँ पे देखें तो 38,500 ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस देखें तो 38,500 क्रुशियल एक लेवल है, राउंड फिगर ना वाले मिडिल लेवल है। यहाँ पे देखें तो 10,000 कॉल रेटर पे देखने को मिल रहा है और 38,600 जो कि आज का हाई लगा वहीं पे सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग है जो कि 16,000। जब तक 38,600 के अबव निकलता है तक एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, लेकिन नीचे की तरफ अगर सपोर्ट देखें तो स्ट्रॉगेस्ट सपोर्ट यहाँ पे 34,000 पुट राइटिंग देखने को मिल रही, लेवल है 38,500। तो फिलहाल के लिए 38,500 सपोर्ट के लिए वर्क करता है, उसके नीचे भी 38,400-300 यहाँ पे हेवी पुट राइटिंग देखने को मिल रहा है, तो एक अच्छा सा सपोर्ट है। तो एक बैंक निफ्टी में बाय एंड स्ट्रैटेजी आप रख सकते हैं। चलिए, भी डेली कैंडलस्टिक में फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक निफ्टी को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे क्या प्राइस मोमेंटम हो रहा है, किस तरह से मोमेंटम कर रहा है। जैसे मैंने कहा था कि ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और जैसे उसने 38,350 के ऊपर भी निकाला था 200 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया। बैंक निफ्टी जो हाई लगा आज की 38,608 का। तो चलिए, इंट्राडे के लिए 15 मिनट के चार्ट पे क्या प्राइस एक्शन बनाए यहाँ पे अपन देखें। तो 15 मिनट अपन क्यों यूज़ करते कि 15 मिनट में एक अच्छा सा प्राइस मोमेंटम मिलता है और जो लेवल्स मिलते हैं एक्यूरेट मिलते हैं। तो यहाँ पे नीचे की तरफ अगर सपोर्ट रखे तो 38,000 का स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है जो कि साइकोलॉजी लेवल, लेकिन फिलहाल के लिए अभी फिलहाल के लिए कौन सा लेवल सपोर्ट के लिए रहेगा, कल के लिए कल किस रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर सकता है यहाँ पे देखें। अगर मेरे हिसाब से अगर कहूँ तो यहाँ पे जो लेवल है 38,480, अगर 38,480 के नीचे यहाँ पे सस्टेन करता है थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिल सकता है जो कि उसके लिए
उसको लेके आएगा जो कि 38,250 का लेवल है। तो इसी रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी में वीकनेस कब मिलेगी थोड़ी सी, यहाँ पे देखें तो 38,464.80 के यहाँ पे नीचे 15 मिनट का 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग होता है। तो यहाँ से पिछली बार शार्प फॉल है, तो यहाँ से एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है जो कि नीचे की तरफ उसको 38,360 का फर्स्ट टारगेट रहेगा और उसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट 250 का लेवल रहेगा। तो इसी रेंज में कल बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ पे 38,500 के आपस सस्टेन करता है, 600 का लेवल निकलता है तो फिर से ऊपर की तरफ 38,720 और 38,800 के लेवल तक ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में मूवमेंट। तो ये इन लेवल के साथ कल के ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे की तरफ आता है कोई यहाँ पे बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक देख सकते हैं अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन भी खींचूँ, एक बार मैं आपको ट्रेंड लाइन खींच के दिखाता हूँ, तो इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे सपोर्ट करते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आता है, इस ट्रेंड लाइन को अगर रिस्पेक्ट करता है तो यहाँ पे नजर बना करके आपके चार्ट के ऊपर भी एक ट्रेंड लाइन देखे तो नीचे की तरफ आता है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है और यहाँ पे रिजेक्शन रहा है। इस रिजेक्शन को जैसे ब्रेक करेगा आने वाले दिनों में या कल या परसों एक मोमेंटम होगा। लेकिन नीचे की तरफ मेरे हिसाब से 250 या 360 का लेवल अच्छे से सपोर्ट है। यहाँ पे रेंज नीचे की तरफ भी आता है, यहाँ पे कोई रेंज बनाता है, साइडवेज होता है और उस रेंज को निकालता है तो अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चलिए अभी हेवेट स्टॉक्स के बारे में देखेंगे कि उनमें क्या मोमेंटम देखने को मिल रहा है। रिलायंस फर्स्ट स्टॉक से, रिलायंस में यहाँ पे थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर देखने को मिल रहा है। HDFC बैंक, जैसे मैंने कहा कि HDFC 1630 के ऊपर निकलता है, यहाँ पे सस्टेन होता है तो अच्छा सा मोमेंटम होगा। लेकिन आज में उसने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, तो कल इसके ऊपर सस्टेन करते तो फिर से मोमेंटम हो सकता है। इन्फोसिस ने अच्छा सा सपोर्ट लिया, तो इन्फोसिस पर नज़र बना के रखे, अच्छा सा सपोर्ट लिया, इस सपोर्ट को देख के आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इस वजह से HDFC बैंक में कोई व्यू नहीं। ICICI बैंक, चलिए ICICI बैंक ने अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना, लेकिन उसके लिए होल्डर 717 का होल्डर देखने को मिल रहा है। TCS देखे तो TCS यहाँ पे नीचे की तरफ ही मोमेंटम करता, जैसे मैंने कहा था इस सपोर्ट के नीचे और वीकनेस TCS में थोड़े फार देखने को मिल सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक रेजिस्टेंस को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है 1995, अगर 2000 का लेवल इसके ऊपर सस्टेन होती तो आने वाले दिनों में फिर से बाउंस बैक कर सकता है ऊपर की तरफ। HUL भी यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। एक्सिस बैंक के लिए रेजिस्टेंस है 799 का, 800 के लेवल के ऊपर एक्सिस बैंक निकलता है तो फिर से ऊपर की तरफ का टारगेट 820 का अचीव कर सकता है। L&T देखे, L&T इसी रेंज में ट्रेड करता हूँ। SBI देखे तो जैसे अपने SBI ने पैटर्न देखा था और जैसे मैंने कहा था कि ये लेवल को जैसे ही निकाले तो मोमेंटम, और आज मॉर्निंग में देख सकते डे लो और इसके ओपन करके बुलिशनेस देखने वाले, तो SBI में आप लॉन्ग जा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फिर से एक ब्रेकआउट देखने को मिला। अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी मैं खींचूँ तो इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ मोमेंटम कर रहा है। उसके बाद IndusInd बैंक इंटरेस्टिंग स्टेज पे, IndusInd बैंक में आप नज़र बना के रखें, जैसे ये कल अगर फिर से यहाँ पे लेवल निकालेगा इसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो फिर से IndusInd बैंक में ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चलो आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के व्यू बता दिया कौन से लेवल है, किस तरह से अपन ट्रेड कर सकते कल के सेशन में मैं बता दिया, और जो हेवेटेक स्टॉक्स है इनके बारे में आपको लेवल अपडेट कर दिया। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की और वीडियो आपके लिए ला सकूं।